नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश सर। अगर बात की जाए तो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मिलिटेंटों को ढेर किया सिक्योरिटी फोर्स ने, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। जी बताइए। जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज सुबह यानी कि अलर्ट मार्निंग को मिलिटेंटों की इनपुट मिली थी सिक्योरिटी फोर्स को, और श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जहाँ पर मिलिटेंटों को घेरे में लेकर उन्हें मार दिया गया, जिनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद किया गया। लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये दिसंबर लास्ट महीने के दिसंबर में ही इन्होंने मिलिटेंसी के साथ ज्वाइन किए हैं। इरफान अहमद सोफी आरो नटीपुरा श्रीनगर, जिन्होंने दिसंबर में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, और बिलाल अहमद सोफी आरो नटीपुरा, ये दोनों ही दिसंबर में ही मिलिटेंसी के साथ में शामिल हुए थे। लेकिन आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई मिलिटेंट श्रीनगर के ईदगाह इलाके में छुपे बैठे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर टारगेट सर्च ऑपरेशन चलाया, जो बाद में झड़प में तब्दील हुआ और झड़प में दो मिलिटेंट मार गिराए गए। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्स इन्हें निशाना बना रही है, और खासकर ऑल आउट मिशन को लेकर जिस तरह से कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ही ये आतंकी गतिविधियां कम भी हुई हैं, और मुझे लगता है कि खात्मा भी होगा और इससे एक नई सुबह जो है कश्मीर में होगी और डेवलपमेंट की ओर जाएगा कश्मीर। अगर बात की जाए तो लोगों का इस पर क्या कहना? बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि IGP कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि 78 मिलिटेंट अब तक मार गिराए गए, चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हो, चाहे वो किसी भी तंजीम के, इन्हें बच्चा नहीं जाएगा। और पुलिस को आईजी कश्मीर ने यह भी कहा कि पुलिस जो जानदार सिपाही है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनकी सराहना की जाए। आईजी विजय कुमार ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्स इस समय ऑल आउट में लगी हुई, और खासकर जिस तरह से लगातार 78 मिलिटेंटों को मार गिराना, लगता है कि एक बड़ी जो है कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को इसी अगर बात की जाए तो इस समय क्या इनकाउंटर बंद हो चुका है? बिल्कुल राकेश जी, इस वक्त इनकाउंटर खत्म हो चुका है, और मिलिटेंट की जो लाशें हैं उन्हें फिलहाल आखिरी लवाजमा के लिए पुलिस के पास ही रखा गया, और फिलहाल उन्हें ठिकाने लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। जो ही उन्हें ऊपर से आर्डर्स मिलेंगे वो ठिकाने लगा दिए जाएंगे।